नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको पूनम्स किचन एंड लाइफ स्टाइल में। तो चलिए आज हम बनाते हैं उत्पम पिज्ज़ा। तो चलिए दिखाते हैं कि हम उसको किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको पूनम्स किचन एंड लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ उत्पम पिज्ज़ा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ना देखिए, मैंने सूजी को भिगोया हुआ है दही में, और इसे मैं करीब 2 घंटा पहले ही भिगो दिया था, शाम को 6 बजे भिगो दिया था। और अभी मैं 9 बज रहे हैं, नहीं 8:30 बज रहे हैं, तो मैं इसको बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल सा मुझे उत्पम बनाना है, एकदम प्लेन सा। ये देखिए मैंने ये डाल दिया है। अब छोटा बड़ा, थोड़ा सा मोटा पतला, जैसे भी ठीक लगे आप कर लेना। और ये पिज्जा ना बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही बढ़िया, मतलब बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं इसको। और हमारे यहाँ तो दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे से मतलब खा लेते हैं यार। मैदा भी नहीं होता है, सूजी का बनता है, और फायदा भी करता है, नुकसान भी नहीं करता। मैदा तो एक बारी को नुकसान भी कर जाता है। ये देखिए मैंने इतना बड़ा सा इसको बना दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ना पक जाने देते हैं। फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा पकने दूंगी। इस पर मैंने थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, ये देखिए। और अभी ये ना पलटने लायक हो गया है, तो देखते हैं इसको हम थोड़ा सा घुमा के, अगर पलटने लायक हो गया हो तो इसको हम पलट दें। ये देखिए, अब ये है, मैंने इसको पलट दिया। अब मुझे क्या करना है, फ्लेम को धीमा कर देना है, एकदम धीमा कर देना है। और सबसे पहले अब इस पे लगाना है मुझे पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस मैंने ना डॉक्टर ओटकर का रखा है, ये देखिए अच्छा होता है, ये टेस्ट इसका अच्छा है। तो अच्छे से ना पिज्जा सॉस लगा देना है इस पे एकदम बढ़िया से। और ये देखिए एकदम बढ़िया से लगाना है, और ये लग गया। अब इस पे आपको ना थोड़ा सा डालना है ओरिगेनो, हल्का सा डालना है, ज्यादा नहीं, टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालना है। और अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने सारे सब्जी को कट करके रखा है, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। यहाँ सुल्तानपुर में लाल वाला शिमला मिर्च नहीं मिलता है, तो मैं उसकी जगह ना टमाटर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो लाल लाल दिखता है ना जब, तो अच्छा दिखता है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है सब्जी डालना है आपको, शिमला मिर्च और प्याज डाल देना है। मैंने एकदम छोटे छोटे पीस में कट किया है ना, क्योंकि बच्चों को पिज्ज़ा खाना था उत्पम, जैसे उत्पम का चीज़ वाला, तो इसलिए जो है। अब बाकी अब इस पे मुझे डालना है चीज़। तो मैंने ना ये देखिए अमूल का चीज रखा हुआ है, वो भी स्लाइस वाला रखा है, अच्छा होता है सैंडविच वगैरह बनाने में भी ये सही रहता है।